नजरिए से देखते हैं कि उनका कहना है कि हमें पास कोई भी विवरण नहीं था इस मामले को। नजरिए में जयराम रमेश के साथ मैं उनको सपोर्ट करता हूं, उन्होंने सही कहा, यानी ये इजलास बुलाया गया अचानक, लेकिन अपोजिशन को उसकी पता नहीं कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें बहरहाल इस पर इंदिरा सोनिया ने ऑब्जेक्शन भी किया है, वो ऑब्जेक्शन भी उनका सही है। तो इसलिए मैं भी इस पर, मुझे भी एतराज है कि पहले अपोजिशन से मशवरा करते उसके बाद में इजलास ये बुलाना चाहिए था। ये सब ये जो सन 24 की तैयारी के लिए ये इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम मनाफरत पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का यह भी कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और ये वक्त है मुद्दे उठाने का। हाँ तो हाँ, अब ये बात भी उनकी एक हैसियत से सही है कि अगर हम उसका बाइकाट करते हैं तो एक तरफा कार्रवाई कर लेंगे वो, इसलिए अगर उसमें बहस हो और हम उसमें दखल देंगे, अपने जितने मसाइल हैं, जितने इम्पोर्टेंट एंड मतलब गेम्स हैं, तो सब पर हम उसमें अपनी बात भी रख सकेंगे और सारे यानी मजहबों की या पार्टियों की हम नुमाइंदगी भी कर सकेंगे। जो मतलब ये कि जो मजहब के एतबार से जो उनकी पॉलिसी है या जो उनका धर्म है, तो वो जाने, उसमें हम कोई दखल ना मैं देता हूँ ना दूंगा। इसलिए कि ये मसला या सियासत लड़ाई जा रही है, धर्म और गैर धर्म हो रहा है जगह भाई, क्यों ये धर्मों की बात इस की जा रही है, क्यों ऐसे जिक्र छेड़े जा रहे हैं जो आपस में जिससे के झगड़ा पैदा हो रहा है, एक दूसरे को बुरा कह रहे हो। हम मुसलमान हैं, हम आपस में जो हमारा मजहब है जो है, हम तो उसमें हमें किसी मुसलमान को मजहबी मामले में कोई दखल देने का हक हासिल नहीं है। तो इस तरीके से और मजहबों के लोग हैं, बहरहाल मैं उनसे यही कहूंगा कि इस दिन का साथ यहाँ पर न छेड़े, इस दिन के मुल्क के अंदर हालात इसे हिंदू मुस्लिम की बजाय अब मजहबों में अगर ये लड़ाई कराई जाएगी तो इससे मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। ओपी राजभर का भी कहना है कि ऐसे में मामलों में एफआईआर होनी चाहिए जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। नहीं तो जो ये तो गवर्नमेंट की अपनी वो है, वो इसमें कार्रवाई करे जो कुछ भी करे, हम इसमें क्या क्यों पाबंदी लगाए। ठीक है, जयशंकर का कहना है कि अलग प्रधानमंत्री, अलग भारत का कुर्सी पर सबसे ऊंचा स्थान है, क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? ये तो सारी दुनिया जानती है, हर मुल्क का निजाम अलहदा है, उनके सोचने का अलहदा है, पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं उनको चलाने का गवर्नमेंट को और ये मतलब ये सारे कामकाज का हर मुल्क का ख्यालात और उनके तरीका अलहदा होता है। तो इसमें क्या मतलब है, इससे क्या तवाज़ु कर रहे हैं? आप अपने मुल्क की बात कीजिए, दूसरे मुल्कों से क्या भी आपसे क्या मतलब है कि साहब हमारे मुल्क का मकाम सबसे ऊंचा है? आपने तो ऊंचा की बजाय नीचा कर रखा है। ये अपने मुल्क के अंदर आपने डिफरेंसेस पैदा कर अपने मुल्क का सर नीचा किया है आपने। इससे इख्तलाफ जाहिर होगा, बाहर के लोग आएंगे जब देखेंगे कि इनके यहां अभी तो हिंदुस्तान जो मुल्क है, भारत है या हिंदुस्तान है, अभी तो इनके यहाँ यही तय नहीं है, इसी पर जंग चल रही है, तो वो और मसलों पर क्या गुफ्तगू करेंगे।